अपना गांव का पूरा हो, सभी इच्छा पूरा हो, इसी उद्देश्य से आज 10 तारीख को कलश यात्रा 1000 महिलाएं का निकाला गया जो पूरा गांव भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर में आए और पूजा अर्चना यहां शुरू हुई। क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहेगा? किस आगे का कार्यक्रम है? संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है जो कि रात्रि 8 बजे से लेके 11 बजे रात्रि तक है और पूज्या सुमन किशोरी जी वृंदावन से पधारी हुई है, उन्हीं के मुखारविंद से श्री संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है और अभी नवापरायण पाठ का आयोजन है जो कि अभी चलेगा, अभी से 1 बजे तक नवापरायण का पाठ प्रतिदिन 9वीं तक है और रात्रि में संध्या 6 बजे महाआरती का आयोजन प्रतिदिन परिवार से लेकर 9वीं तक है, यही आयोजन किया गया है। पिछले सालों के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कलश स्थापना की गई और विधिवत पूजा अभी आने वाले नवरात्र में की जाएगी। हाँ, यहाँ पर नवरात्र के उपलक्ष्य में भी बहुत दूर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और कलश स्थापना करते हैं, उनको भी बहुत बहुत इस नवरात्र के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ हैं। आज शरद नवरात्रा का प्रथम दिन है, कलश स्थापन प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो भक्त सज्जन शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये माता का दरबार भद्रकाली मंदिर पूरी फूल, यह स्थल 3 धर्मों का संगम स्थल है और दूर दराज से कलश स्थापन के लिए भी पहुँचे हुए हैं विद्वानजन, साथ साथ भक्त प्रेमी सज्जन भी पहुँचे हुए हैं। जो भक्त माता के दरबार में पहुँच करके अपना वरदान लेते हैं, माता वरदायिनी के रूप में वरदान दे रही है और सभी भक्तों को कल्याण करती है।